की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में ट्रेन में धमाका हुआ है। क्वेटा से पेशावर जा रही थी ट्रेन और धमाके की खबर है। और आपको बता दें कि धमाके में एक महिला की मौत भी हो गई है, जबकि दो लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धमाके में दो लोगों की मौत और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान से ये बड़ी खबर है, जहां पर ट्रेन में धमाका हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन क्वेटा से पेशावर की ओर जा रही थी और यहाँ ये ब्लास्ट हुआ, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में ट्रेन में धमाका हुआ है, 2 की मौत हुई है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इसके अलावा 7 लोग घायल हैं। अब जांच होगी। बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से अपने बयान की वजह से खुद को सुर्खियों में ला दिया है। जी हां, उनके नए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। बाबा बागेश्वर ने सनातन पर सवाल खड़ा करने वाले को अपने मंच से खुला चैलेंज दिया है। क्या कहा है बागेश्वर महाराज ने, आपको वो दिखाते हैं। कोई भी मुकाबला कर ले, अब कोई ये कह दे कि बात सत्या नहीं होती या भगवान नहीं होते, ये संत पाखंडी होते हैं या इनके ही लोग होते हैं, इनकी ट्रिक होती है या विज्ञान होते हैं, हम उनको निंदा करके भेजेंगे। कह दिया सो कह दिया। और बागेश्वर महाराज के नए बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने हिंदू राष्ट्र बनाने के बाबा के बयान पर आपत्ति जताई है। ओवैसी ने कहा है कि बाबा जो कह रहे हैं वो संविधान के खिलाफ है। बाबा और ओवैसी के बीच बयानों पर घमासान आपको दिखाते हैं। सनातन धर्म को केवल तर्क के आधार पर सिद्ध किया जाता था। हम दूसरे पंथों के लोगों को अपने गुरुदेव भगवान के चरणों के बल से और बागेश्वर हनुमान जी महाराज के बल से ये घोषणा कहकर कहते हैं, अगर कोई कहे कि सनातन धर्म में कुछ भी नहीं, तो पूरी दुनिया के कोई भी दरबार या शक्ति का, दूसरे पंथ का व्यक्ति बागेश्वर धाम का मुकाबला करते हम धूल चटाते हैं। जिन हमारे बुजुर्गों ने, जिसको अंग्रेजी में कहते फाउंडिंग फादर्स ने, इसको इस देश का संविधान बनाया, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर हैं, आप बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन कर रहे हैं इस तरह की बात करके। ये कैसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं? और कैसे सरकारें खामोश बैठी हैं इस बारे में बताइए, आप कैसे खामोश बैठ? हम तो पूछ रहे हैं कि सरकार खामोश क्यों बैठ रही है। कोई, मैं तो पार्लियामेंट में कहा था कि कोई महीना नहीं जाता जब यहां पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और धमकी और डराने की बातें की जाती हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अंबेडकर के संविधान को जला देंगे क्या?